सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी कुवैत पे, उस पर इतना सारा जो आप लोगों ने प्यार दिया, कई हजार से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने उसी पर कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद कुवैत में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें जो कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में बताया था, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें आप एज अ लेबर का काम कर सकते हो। जो आप मिनिमम 10th पास हो फिर भी ये काम कर सकते हो, इस पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और ये जॉब आपको आसानी से मिल भी जाता है, ठीक है। बट इसके लिए वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा, फिर मैं अप्लाई आप कैसे कर सकते हो वो बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सुनो। देखिए, इसके लिए आप मिनिमम 10th और 12th पास की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 10th पास की सर्टिफिकेट हो फिर भी चलेगा। सेकंड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो क्या होता है ना, लेबर वर्क में थोड़ा फिजिकल वर्क पड़ता है, तो ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, बहुत ज्यादा मतलब आपका फिटनेस ना हो, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में फिटनेस आपकी जरूरी होती है, तो मेडिकल अपना परफेक्ट रखना, खाने पीने पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, तभी आप काम भी कर पाओगे। और फायदा ये होता है क्योंकि सैलरी आपको अच्छी मिलती है, साथ में ये फायदा होता है खाने पीने की फैसिलिटीज मिल जाती है, ठीक है, खाने पीने की फैसिलिटीज को मिल जाती है और आपके पैसे ही बच जाते हैं, तो जितने पैसे आपको मिलेंगे सारे बच जाएंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो आपको सैलरी मिलेगा वो लगभग 170 कुवैती दिनार से लेकर के 210 कुवैती दिनार तक आपको मंथली मिल जाता है, ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग आवर के ऊपर भी, ठीक है, ओवर टाइम में मिलते हैं। और डॉक्यूमेंट में बता रहा था, आपका वैलिड पासपोर्ट हो जाता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाता है, जॉब ऑफर लेटर कॉपी हो जाती है, आपकी जो भी आइडेंटिटी आधार कार्ड पैन कार्ड अगर आप इंडिया से हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, ठीक है। और जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें और भी कई सारे जॉब बताए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके इसके बाद वो भी देख लेना, ठीक है, उसमें और भी जॉब आपको पता चलेंगे। देखो अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, एज अ ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन मत करना, एजेंट के थ्रू ही करना, ट्रस्टेड एजेंट कोई हो उसको पकड़ो, क्योंकि जो पैसे उसे ना खाए ऐसे एजेंट को पकड़ो, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं तो थोड़ा बच के, ठीक है। तो हैव एन आइडिया बेस्ट, लोग डाउट कमेंट करो, अब जाकर 10th और 12th पास वाली वीडियो भी देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिटनेस में खाने पीने पे जरूर ध्यान देना, फिटनेस रहेगा तो ही काम कर पाओगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।